नमस्कार सभी को, मैं सुधा गोस्वामी एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका। अकादमिक वर्ष 2024-25 की शिक्षण रणनीति एवं कक्षावार साप्ताहिक शिक्षण हमें कैसे करना है, उसका एक विधिवत और बिंदुवार प्रस्तुति ये जो हमें शिक्षक प्रशिक्षण हैंडआउट 2024-25 मिला है उसमें किया गया है। अभी इसी पे आधारित एक प्रशिक्षण भी हम सबका कराया जा रहा है। तो अगर आप प्रशिक्षण में जाने से पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा। तो पूरा ध्यान से एक बार हम देख लेते हैं। अकादमिक वर्ष 2024-25 में भाषा शिक्षण हेतु कुल 25 सप्ताह की शिक्षण रणनीति बनाई गई है जो पूर्ण रूप से कक्षावार निपुण दक्षताओं पर आधारित है। कक्षावार निपुण दक्षताओं की प्राप्ति हेतु शिक्षण की अकादमिक रणनीति NCF 2022 बुनियादी स्तर में सुझाई गई भाषा शिक्षा का 4 खंडीय मॉडल के आधार पर बनाई गई है और जिसमें है, सबसे पहले देखिए, मौखिक भाषा विकास, डिकोडिंग, पठन समझ के साथ पढ़ने की दक्षताओं एवं लेखन के साथ कार्य किया जाना। अब ये मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से साझा किया था कि किस सप्ताह में क्या कार्य करना है। पहले से चौथा, पांचवें से बारहवां, फिर तेरहवां, तेरहवें में सावधिक पुनरावृत्ति करनी है, 14 से 19 तक सप्ताह में कार्य करना है, फिर 20 और 21 से 25, ये पूरे 25 सप्ताह की योजना है। तो मुख्यतः जो हमें भाषा शिक्षण का जो चक्र है वो कैसे करना है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसको देख लीजिए। इसमें बहुत ही स्पष्टता से सारी चीजें शेयर की गई हैं। तीसरे कालांश में दिवस 1 से 5 तक, अंतिम के 20 में रेमेडियल शिक्षण पर कार्य करना है, ये स्पष्ट हो गया। इसको जब आप एक एक लाइन पढ़ेंगे तो सारी चीजें स्पष्ट होती चली जाएंगी। उसी में आगे है, देखिए, एनसीईआरटी आधारित हिंदी की पाठ्य पुस्तक पर कार्य की रणनीति, इसको भी आप देख लीजिए। मौखिक भाषा विकास, फिर डिकोडिंग, पठन समझ के साथ और फिर लेखन, इस तरह से हमें पूरा लेकर के चलना है। उसके बाद कक्षा और पाठ्य पुस्तकों का उपयोग, इसको भी आप देखेंगे तो 1 से 12 सप्ताह तक स्कूल रेडीनेस पे कार्य करना है। कक्षा 2 में पाठ्य पुस्तक और सारी चीज़ें जो भी है आप बिंदुवार पढ़ लीजिए और उसी हिसाब से पूरा कार्य होना है। कक्षा 3 और बहुत ही सुंदर एक हैंडआउट बनाया गया है शिक्षकों के लिए, कहीं भी कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं, किस तरह से हमें 25 सप्ताह भाषा में लेके चलना है, उसका पूरा विवरण दिया हुआ है। गणित में किस तरह कार्य करना है, इंग्लिश में किस तरह से कार्य करना है, एनसीईआरटी के जो बुक्स हैं उसमें क्या है, उसका उद्देश्य क्या है और क्यों निर्मित की गई हैं। कुछ शिक्षकों को लग रहा था क्लास 1 में थोड़ा सा कठिन है, लेकिन अगर आप उसको अच्छे से समझेंगे तो लगेगा कि नहीं ये हो सकता है। तो ये था पूरा कार्य। मिलते हैं फिर एक नए कार्य के साथ। धन्यवाद।